गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। सो गाइस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे। मतलब फादर्स डे तो आने वाला है बट हमारी तैयारी अभी से चालू हो गई है क्योंकि हमने सोचा शिवांश मुझे भी लेना है व्लॉग में। हां हां क्या कर रहा है यार? फादर्स डे है ना, सिर्फ पापा को दिखाएंगे। पापा को गाड़ी चलाओ। हाँ पापा कैमरा में तरफ मत देखो। नेक जी यार आपको गाड़ी चलानी चाहिए ना, खुशी हो आप फादर्स डे है, पापा को रेस्ट भी नहीं दिया। पहली बात तो पापा को गाड़ी चलाना पसंद है, अगर पापा को पीछे बिठा दे तो उनको ज्यादा बोर होगा, है ना पापा? और दूसरी बात ब्लॉग कौन बनाएगा फिर? हाँ पापा बनाना। मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है यार। आप शिवांश वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कभी कम बड़े लोग समझ रहे, हमसे एक्टर है, एक्टर कैमरा नहीं पकड़ता। मैंने मारा क्या आपको? पापा को परेशान मत कर। सो गाइस आज हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं पापा का फोन लेने। हाँ, नया फोन देने। तो हमारे जो प्यारे पापा है, जो सारे पापाओं की तरह हम दोनों को तो अच्छे अच्छे फोन दिला दिए, लेकिन इनको जब भी बोलते हैं पापा का फोन कहाँ है? पापा का फोन जेब में है यार, अभी कैसे निकलेगा। तो ये हमारे पापा का फोन, ये इतना पुराना है कि इसका कवर भी नहीं मिलता है फोन का, और ये काफी गंदी कंडीशन में है। हाँ। और पापा को हम कब से बोल रहे हैं कि कोई बढ़िया फोन ले लो ले लो ले लो, लेने कोई तैयार नहीं है। तो आज हमने इनको फोर्स किया और बोला कि आज फादर्स डे है तो हम आपको लेके जाएंगे। आज नहीं है फादर्स डे, जब भी है फादर्स डे हम आपको लेने जाएंगे। कब आते फादर्स डे? कब आता है? 20 इनको पता होना चाहिए फादर्स डे नहीं। तुझे पता होना चाहिए। अरे मेरा बर्थडे दूसरों को थोड़ी याद रहता है, मेरे को याद रहता है ना, वही लॉजिक है भाई। और क्या मुझे याद है शायद। यहाँ पे तापमान है मुंबई में, तुम बाहर निकलो जून जुलाई के महीने में और बारिश ना शुरू हो ऐसा हो नहीं सकता। सो अगर आपको ऑडियो में दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ आवर मास्क एंड द रेन, देन वी आर सॉरी। पापा देखो ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी पापा और ठंडा पानी भाई, लव रिलेशनशिप चल रहा है। नहीं भी निकलो, एक इतना बड़ा बॉटल ठंडा पानी का, पापा अभी चाहे तो इसको 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं। यार मेरे को बारिश बिल्कुल नहीं पसंद, मेरा मन ही नहीं करता बारिश में कहीं जाने का। ऑनेस्टली भाई मेरे को भी नहीं पसंद। अच्छा बारिश का पता है, बारिश कब अच्छी लगती है? जब आप घर में बैठे हो बालकनी में, ओहो इंस्टा स्टोरी डाल दी। नहीं मेरी बहन को 22 डिग्री सेल्सियस में विंटर लगता है। अपने यहाँ पे 16 डिग्री तक जाता है। कुछ चुप जाता है? नहीं नहीं हमारे यहाँ पे -16 डिग्री है ना जी, पानी बाहर फेंकते जम जाता है। कनाडा में रहते हैं हम गाइस, तो आदत नहीं है कुछ, एट द एंड ऑफ द डे है तो मुंबई। हाँ थोड़ी ज्यादा ठंड लगती है बट कंपैरेटिवली बाकी के मुंबई से हमारे एरिया में थोड़ी ज्यादा ठंड पड़ती है, बिकॉज़ ऑफ द नेशनल पार्क। हाँ और हमारा एड्रेस है C10001 ठाकर विलेज। ये आपने जो हमारी इतनी कॉन्वर्सेशन हुई और जो जोक था वो बीप था, कॉज एड्रेस तो नहीं लीक करा सकते ना। अबे खाली फ्लैट नंबर बोलने से देखो पता नेशनल पार्क के बाजू में कितने सारे 10001 होंगे। 10001 कौन से फ्लैट में रहता है भाई? अच्छा पापा का फोन है, मेरे को लगा मेरा फोन था। अभी मिला नहीं है नया। नहीं जी अभी फोन की हालत देखो, उसका बाहर से नहीं उसके अंदर से हालत देखो। पापा क्या 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 चाहिए आपको आपके नए फोन में? पापा को नोकिया 3510 दिला रहे हैं, 5G चाहिए। पापा को 5G चाहिए और अच्छा डिस्प्ले। हाँ और स्पाइडर सॉलिटेयर चलना चाहिए उसमें। पापा को सॉलिटेयर तो बहुत पसंद है। राजू भाई हाँ गाड़ी चला रहे हो? अरे शिवि क्या कर रहे हैं? हमारे पापा बहुत, आप लोगों ने तो हमारे जो बर्थडे व्लॉग्स था और मदर्स डे वाला व्लॉग था उसमें आपके कमेंट्स पे पापा को इतना पसंद किया था। पापा आपका क्या कहना है सबके कमेंट्स के ऊपर? थैंक्स थम्स अप दिखाते हैं, पापा को थम्स अप भी बहुत पसंद है। अरे सही में बचपन से लेकर अब तक 21 साल हो गए, ऐसा एक दिन नहीं हुआ होगा, हार्डली एक दिन हुआ होगा जब हमारे घर में थम्स अप नहीं हो। और बेचारे पापा हमारे इतने स्वीट है, हम लोग कितनी मस्ती कर ले रात को, पापा सो रहे हैं उसी रूम में चिल्लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बेचारे पापा कुछ नहीं। उल्टा हम तो ये भी करते हैं। अरे भाई राजू भाई सो रहे हो क्या? और ये ना इनसाइड जोक मैं आपको समझाता हूँ कैसा था। पापा ना एक दिन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ पे ना कोई तो सो रहा था, तो एक बंदा वो बंदे को छेड़ता और पूछता है कि राजू भाई सो रहे हो क्या? और वो सो ही रहा था,
तो तुम किसी सोते पे को थोड़ी उठा के पूछते हो क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? राजू भाई झगड़ा हो गया था हमारा, मेरे को उठा रहा तो इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम। पापा आपको और क्या चाहिए फादर्स डे के दिन? पापा को तो ले, बेचारे पापा बोल रहे हैं बरमूडा चाहिए। बरमूडा लोग गिफ्ट में क्या मांगते हैं? बरमूडा जी सर्कल नहीं ट्रायंगल है वो। अरे ऐसे टॉर्नेडो लोगों से तुम पूछो क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, फोन चाहिए, मेरे पापा को बरमूडा चाहिए। दो बेटा एक बस घर में पहनने के लिए, तो अभी तो कैमरा ऑन है इसलिए, वरना पापा पता क्या बोलते हैं, नई बीवी चाहिए। पापा का मिक्स जो A few moments later. Are you able to find what you're looking for? No. शिवांश आपको मिला जो आप ढूंढ रहे थे? एक जो चाहिए था वो दिखा मिला, अभी हम एक दूसरे स्टोर जा रहे हैं, वहाँ पे हम देखते हैं हमको जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और देखते हैं क्या है क्या नहीं। और बाय द वे भाई साहब पीछे इसलिए बैठे हैं क्योंकि आगे जहाँ गाड़ी पार्क हुई थी आगे की डोर के यहाँ बहुत पानी था, और हमारे स्मार्ट भाई साहब ने समर में पहने हैं, मॉनसून में पहने हैं शूज, चप्पल नहीं पहन सकते थे जो तो नहीं जी क्लास होता है। दिख गए वो तो पीछे आगे बैठा है अभी, बेचारे पापा को आगे अकेले बिठा दिया ड्राइवर जैसे। ड्राइवर आगे से लेफ्ट। चलो चलो मिलने बाद जो ब्लॉग बन रहे हैं क्या बोलेंगे सब्सक्राइब। एंशिएंट रेलिक है ये, बहुत ज्यादा रेयर। मैंने ले लिया पापा का फोन, ये पापा बढ़िया लगा आपको फोन? बहुत सुंदर। ये देखो पापा का पुराना फोन दिखाओ अपना। हाँ अरे हाँ ऐसा ऐसा साथ में उल्टा करो साथ में। हाँ ये देखो मस्त, अभी मजे करो, अभी पापा अपने फोन पे पबजी भी खेल पाएंगे। मैं खेलूंगा और अभी मैं बनी हूँ ड्राइवर। हाँ हमारे हमने नया ड्राइवर खरीदा है ना पापा, हायर किया हमने। कितना कमाते हैं महीने का ये ड्राइविंग कर करके? 10 लाख। 10 लाख तो चवन्नी नहीं है। मैंने ड्राइविंग में MBA किया है गाइस। पापा के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान है। देखो आपके लिए सरप्राइज, बर्थडे वाइब्स आ गई। मैंने पहले विश किया मैं पापा से लंबा हूँ। काटो केक। हैप्पी फादर्स डे। बार बार ये दिन आए, बार बार पापा को ऐसा ट्रीटमेंट मिले। केक तो मैं खाऊंगा शिवाज, सब खाएंगे केक, ऑब्वियस सी बात है वो। फूंक तो मारो। हाँ ये नोट क्या? हाँ मैंने भी खिला देगा होगा, डबल डबल रिस्क लेना चाहिए। थैंक यू। हाँ मम्मी आप भी खाओ। ये सब नहीं जाएगा। पापा जी आपके लिए गिफ्ट लाया हमने, देखो एक एक करके एडिटिंग के कमाल से देखा क्या मस्त है, बढ़िया है। हाँ 100% कॉटन ये मैं बोल। तो गाइस ये सारा सामान हमने अमेज़न से मंगाया है, कल वाला जो हमने पापा को फोन दिलाया था मतलब वो तो पापा ने लिया था, हमने बस उनको ले जाके वहाँ जबरदस्ती बोला कि आप खुद के लिए भी कुछ तो लो, बट ये गिफ्ट हमने लिए है पापा के लिए। एंड मैंने बोला था ना गाड़ी में बरमूडा चाहिए, बरमूडा ट्रायंगल है पापा, ये पहनने वाली चीज नहीं। This is your Bermuda. I hope आपको अच्छा लगा। संडे पहनना इसको, संडे के दिन मस्त और चिल मारना। तो
हमने ये सारे सामान अमेजोन से मंगाए हैं कैश करो के थ्रू, तो हमें बहुत सारा कैशबैक मिला है, तो हमारे थोड़ी बजट में फिट हो गया ये सब। पापा भी देखिए जिस तरीके से खोलते हैं, और कैसे लगे पापा आपको? बढ़िया लगे ना। थैंक यू, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। चलो पापा अभी आप चेंज वेंज कर लो, खाना वाना खा लो, उसके बाद आपके लिए एक और सरप्राइज है, ठीक है? गिफ्ट ऑर्डर किए हैं वहां से, या फिर मिंत्रा आजियो ऐसा कोई भी वेबसाइट यूज करते हो, तो आपको कैश करो जरूर डाउनलोड करके यूज करना चाहिए, क्योंकि कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने पर कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स देता है। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर सीधा अमेज़न गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैश करो को तो खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है, और ये बहुत ही यूजफुल ऐप है, क्योंकि पैंडेमिक के वक्त आप घर पे बैठे बैठे मेडिसिन, डेली एसेंशियल के सामान, घर का सामान, ये सब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और इससे आपको कैशबैक भी मिलेगा। और इस ऐप में जो ऑफर्स है वो तो बिल्कुल कमाल के हैं, जैसे फ्लैट 8% ऑफ ऑन आजियो, फ्लैट 15% ऑफ ऑन मामा अर्थ, और जन्नू केयर पर तो फ्लैट 30% ऑफ है। कैश करो को यूज करना काफी सिंपल है, बस दो आसान से स्टेप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो, और वही लिंक से साइन अप करके 25 रुपीज कमाओ, या फिर सीधा ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और फिर कोड नविका 25 यूज करके 25 रुपीज कमाओ, और फिर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे मैं अमेजोन कर रहा हूँ, और फिर ऑरेंज बटन पर टैप करके सीधा वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, जैसे आप हमेशा अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कार्ट में ऐड करते हो वो कीजिए, और उसके बाद पेमेंट हो जाने के बाद आप कैश करो ऐप के माय अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं, और एक बार आपका कैशबैक कंफर्म हो गया उसके बाद आप अपने उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अमेजोन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैश करो के थ्रू 1500 प्लस वेबसाइट्स पर शॉपिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो और एक ट्रांजैक्शन तो करके देखो। सो हाय गाइस, हम हमारे चैनल में वापस कुकिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये एक्चुअली मॉम की रेसिपी है और पापा के लिए हम बना रहे हैं मैंगो लस्सी, क्योंकि आई थिंक हमारे घर में ये खानदानी परंपरा है, इफ यू आर बोर्न इन आवर फैमिली स्पेशली पापा के साइड से तो आपको मैंगो पसंद ही होगा, मतलब अगर आपको मैंगो पसंद नहीं है तो आप आपको तो हमारे पापा को, हमारे दादाजी को और हमें भी मैंगो बहुत पसंद है। पागल है, बताएं। हाँ मैं तो पागल हूँ भाई। ओ भाई सुंदर लग रहा है ये तो। मेरी तरफ, थैंक्स। कुछ भी, कुछ भी। पापा, अरे क्या बात, आपके लिए हमने लस्सी बनाई है मैंगो लस्सी। मैंने भी बनाई है। चुप रे, यहाँ पे आके बैठ के पापा के साथ बातें कर रहा है, पी के देखो। पापा के साथ बातें करना है, फादर्स डे, आपके साथ ही किचन में काम कर रहा था, सेवा करता हूँ उनकी। थोड़ा मिक्स कर लेना ऊपर ऊपर। आप चम्मच डालो, ये पागल है, दुनिया भर की मलाई डाल दी, क्रीम। इधर बैठी थोड़ी, कुछ तो किया पापा, ग्राइंड किया है मैंने हाथों से मेरे, यहाँ मिक्सर विक्सर यूज नहीं करते हम, फेक चीजें, हैंडमेड है, हैंडमेड। पिस्ता भी तूने बनाया बोल दे। तो उगाता हूँ मैं बैठ के रोज खेती बाड़ी 2 घंटे। रुको दूस ना लाती। मेरे पे गया पापा, मैं पापा पे गया हूँ। बादल दे टू यू। बस है ना, मैंने बनाई है, मेरे को भी टेस्ट करनी है, मैंने बनाई है। गाइस कैश करो आपको लिटरली ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए फ्री पैसे दे रहा है, तो अभी लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन को क्लिक करो और नविका 25 कोड यूज करते ही आपको इंस्टेंट 25 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, तो जाओ डाउनलोड करो।